क्रिकेट मैच के लिए तैयार है एमपीसीए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा इंडिया अफ्रीका के बीच मुकाबला। एमपीसीए अध्यक्ष की निगरानी में चल रही तैयारी। लाइव न्यूज की एमपीसीए अध्यक्ष से खास मुलाकात। होलकर स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का रोमांच। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। अक्टूबर और नवंबर के दरमियान टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए एमपीसीए अध्यक्ष संजय जगदाले भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। खासकर होलकर स्टेडियम के ग्राउंड के रखरखाव को लेकर एमपीसीए के अधिकारी पूरी तरह से नजरें जमाए हुए हैं। करीब 3 साल बाद एक बार फिर इंदौर की सरजमी पर खेले जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए एमपीसीए की टीम कितनी तैयार है और आखिर किस तरह से अधिकारी इंतजामों को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट सितारे अपनी दस्तक देने जा रहे हैं। जी हां, अक्टूबर और नवंबर के दरमियान इंदौर के होलकर स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। आखिर किस तरह से तैयारियां जारी हैं और इस खास और स्पेशल मैच के लिए किस तरह से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तैयारियों में जुटा हुआ है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमपीसीए के प्रेसिडेंट, हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष माननीय श्री संजय जगदाले जी। उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डी लाइव न्यूज़ पर। किस तरह की तैयारियां की जा रही है, खासकर एक बड़ी सौगात खासकर एमपीसीए और मध्य प्रदेश की धड़कन कहे जाने वाले इंदौर को मिली है? देखिए, अभी तो शुरुआत ही कुछ दिन पहले अलॉट हुआ है, तो तैयारी तो ऐसी कोई विशेष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो बहुत अच्छा वेन्यू है, ऑलरेडी देश के श्रेष्ठ वेन्यूज में गिना जाता है इंदौर, तो कोई अलग से विशेष तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साल भर एक्टिव रहता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यहाँ साल भर चल कर लगभग चलता रहता है, तो थोड़े बहुत अपग्रेड करने होंगे, और वो तो बरसात में जैसे ग्राउंड का विकेट का काम और कहीं दर्शकों के लिए जो सुविधाएं जहाँ सुधार सकते हैं वो चीज़ों में ध्यान देंगे हम लोग। सर, बड़ी सौगात इसको माना जा रहा है, खासकर एमपीसी के प्रयास खासे रंग लेकर आए हैं। 2011 के बाद में लंबा गैप और अब जब मैच हो रहा है, तो एमपीसी किस तरह से इस मैच को देख रहा है? नहीं, लंबा समय इसलिए लग गया कि 2 साल भारत में डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, और दूसरा इसको हम समय से नहीं देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मैच समय के हिसाब से होते हैं, वो नंबर ऑफ मैचेस से होते हैं रोटेट। लोग उसको समझते हैं इतने साल से हो गया, ये नहीं होता है कि जितने, और दूसरा भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय वेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़्यादा वेन्यू हो गए हैं तो ज़्यादा स्टेडियम जो हो गए हैं, तो अब नंबर लगने में समय लगता है, वो रोटेशन से चलता है नंबर, सब चीज़ों के अलग अलग होते हैं, तो हम इसको वर्षों से जोड़ के नहीं देखें। अब ये नंबर ऑफ मैचेस से होता है कि कितने मैचेस हैं, तो आपने देखा होगा पिछले दो सालों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 2014 में तो हुआ ही नहीं है, और बहुत कम हुआ है 2 सालों में, तो इसलिए समय ज़्यादा लगा। सर, ये वही मैदान है जहाँ पर एक इतिहास रचा गया था, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी यहाँ पर वनडे क्रिकेट में जमाई थी। ऐसे में खासकर ग्राउंड और पिच को लेकर क्या खास जो है वो इंतजाम किए जाएंगे सर? नहीं, मैंने जैसा पहले बोला कि ये ग्राउंड विकेट और ग्राउंड तो हमेशा से ही अच्छा रहता है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमको कोई विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर दर्शकों के लिए जो सुविधाएं हम बेहतर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। तकरीबन 27,000 दर्शकों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है, ऐसे में दर्शकों के लिए और क्या क्या सुविधाएँ हैं जो अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, और प्राथमिक दृष्टि पर किस तरह की तैयारियाँ आप देख रहे हैं सर? नहीं, जिस तरह भी देखें सुविधाएँ सब अच्छी हैं, जो भी हम अपग्रेड कर सकते हैं उनमें उन्हीं के क्वालिटी में सुधार करने का प्रयास करेंगे हम लोग, कि बैठने का अरेंजमेंट, एक्चुअली भारत में ये पहला स्टेडियम था जहाँ नंबर सीट थे, कि जहाँ टिकट का नंबर और सीट नंबर है और आप सीधा बैठे हैं, उसके बाद अब भारत में दूसरे स्टेडियम में भी यही व्यवस्था हो गई है, तो इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉयलेट्स को और इसको हम अंदर आने का जाने का सब सुविधाएँ वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, एक और ख़ास बात थी कि जबलपुर का जो है ग्वालियर का जो है वो स्टेडियम, वहाँ पर कहीं ना कहीं मैच होने की संभावना जताई जा रही थी, ऐसे में इंदौर के नाम पर मोहर लगना किस तरह से इसको देखा जाए सर? नहीं, ये हमारा इंटरनल एमपी का डिसीजन है, मोहर लगना तो मैं नहीं सोचता कि ठीक से शब्द कहेंगे,
क्योंकि जो रोटेशन सिस्टम है उस हिसाब से ग्वालियर का नंबर था, पर ग्वालियर में एक दक्षिण अफ्रीका का मैच हुआ हुआ था और इंदौर में दक्षिण अफ्रीका नहीं खेली है। एक कारण प्रमुख ये था कि हम इंदौर में दक्षिण अफ्रीका को देखें, क्योंकि ग्वालियर में तो दक्षिण अफ्रीका खेल चुकी है। तो ये इंटरनल इंप्लीकेशन का इंटरनल अफेयर है ये कि कहाँ मैच करना। तो और ग्वालियर में भी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको स्टेडियम में काम करना पड़ता, सब चीज़ें असेस करके, पर प्रमुख कारण साउथ अफ्रीका का भी रहा कि साउथ अफ्रीका वहाँ खेल चुकी थी। सर एक और ख़ास बात यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरह से इंदौर में मैच होने जा रहा है और आपका इंदौर से गहरा नाता है, ऐसे में खासकर जो यहाँ के लोकल दर्शक हैं उनके लिए कितनी बड़ी सौगात मानते हैं आप इस मैच को लेकर? नहीं, इंदौर के तो दर्शक क्रिकेट प्रेमी हैं और बड़े अनुशासित क्रिकेट प्रेमी हैं, और सभी जगह देश में सराहा जाता है कि इंदौर बड़ा डिसिप्लिन वर्ग है और क्रिकेट समझने वाला लोग है, आनंद लेता है। और क्वालिटी अब भी है, जब भी मैच हुए हैं बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं, अच्छे दर्शकों को बल्लेबाजी देखने को मिली है, और यही उम्मीद हम इस मैच में भी करेंगे। तो ये थे हमारे MPCA के अध्यक्ष सम्मानीय संजय जगदाले जी, इनका कहना है कि तैयारियों को लेकर अब जो है वो खाका यहाँ पर खींचा जा रहा है और आने वाले दिनों में एक बेहतर क्रिकेट इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित हो, इसको लेकर पूरा जोर यहाँ पर MPCA लगा रही है। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, DLive News इंदौर।